कितनी एक रहस्यमयी तरीके से जो है इसका जो है दृश्य आ रहा है मेरे कैमरे में, आप सभी देख सकते हो। और ये जो पुल है इसकी खास बात देखिए आप क्या है कि इसके बीचों बीच भी जो है लोग चल सकते हैं। और नीचे जो ये स्थान देख रहे हो आप, जहाँ पर ये भाई खड़े हैं अब्दुल फारूक जी, वो यहाँ पर नदी बहा करती है, लेकिन इस वक्त ये सूख चुकी है काफ़ी, और यहाँ फुल हुआ करती थी नदी किसी समय पूर्व। और ऊपर इसके नहर बहती है, अभी वहाँ भी आपको ले चलेंगे और दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हाँ भाई, आप क्या बता रहे थे इसके बारे में हम लोगों को? ठीक है, मैं एक मिनट बता दूं जरा अपने दोस्तों, आज एक नई जगह लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छी जगह है और इन्जॉय करोगे आप, बस ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लेकिन मज़ा आ जाएगी आप लोगों को। तो हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त एक ऐसे सफ़र की ओर जहाँ पर एक आपको पुल दिखाएंगे हम, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। उसकी खासियत है कि उसके ऊपर से जो है नहर निकलती है और उस पुल के नीचे से जो है नदी जाती है, ठीक है, और उसके बीच में जो है आदमी पब्लिक जो है चलती है, साइकिल गाड़ी ये सब लेकर के। तो सफ़र शुरुआत करते हैं सीधे और चलते हैं, आपको बने रहिए ब्लॉग पर। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि यार बड़े गड्ढे हैं यार, बहुत प्यार से। हाँ, तो जो ये मतलब जिस जगह हम लोग जा रहे हैं, दरअसल हमारा ब्लॉग का तो कोई इरादा नहीं था, बस ऐसे ही परेवा का दिन है तो सोचा थोड़ा घूम घाम लिया जाए। और फिलहाल हाँ मैं बता रहा हूँ, जिस जगह हम जा रहे हैं वो एक पुल है यार, वो मेहरबान सिंह का पुरवा हमारी तरफ इलाका कहलाता है वो, और वहाँ पर हमारी तरफ पनकी लगता है, पनकी नहर, बड़की नहर जिसे बोलते हैं हम लोग। इसको स्टैंड को मैं सेट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, सेट नहीं हो गया, हाँ ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। तो वहाँ का कहना ये है कि कुछ लोग अभी वहाँ चल करके देखते हैं, एक आध लोग कुछ मिल जाते हैं तो उनसे बात कराएंगे और बात करके देखते हैं क्या इसका इतिहास है, क्या है, कैसा है। और उसमें मतलब बहुत खास बात है, अब तो खैर वो बहुत जर्जर हो चुका है, पुराना हो चुका है, और पहले हम लोग जब हायर स्टडी वगैरह किया करते थे, हायर सेकेंडरी वगैरह की पढ़ाई जब करते थे तो अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। तो बचपन में सभी लोगों ने अपने उन दिनों में वो किया जो हम लोग भी किया करते थे, स्कूल को गोला मार कर वहाँ बैठ जाया करते थे, जा करके खेला करते थे, ठीक है। तो वो एक 90s का दौर था और 90s का दौर वापस नहीं आ सकता है। तो चलते हैं सफ़र की तरफ लेकर के आपको, आप तब तक बाहर का नज़ारा थोड़ा लीजिए। ये देखिए यहाँ की उस तरफ जाने की जो रोड है उसमें गड्ढे कितने हैं, देख सकते हो आप लोग। और खैर गाड़ी चल रही है, मतलब सड़क मिलता जा रहा है तो गाड़ी चलती जा रही है और गड्ढों में। टाइम लैप्स यहाँ से लगाता हूँ मैं, आनंद लीजिए गड्ढों का और सड़क का। ये देखिए ये गड्ढे हैं, ठीक है, और ये गाड़ी का जो है FM वर्किंग पे है, गाना सुन बस, ज्यादा नहीं सुना सकता हूँ, कॉपीराइट है उसका भी इशू देखना है अपने को। ये हमारे राहुल भाई, हमारे फ्रेंड, हमारे काबिल दोस्त, जो काबिल तो हैं, बाकी आप समझदार हो। तो इन्होंने बोला भाई गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा, तो मैंने कहा चल ठीक है, तुम ड्राइव कर, मेरे को ब्लॉग बनाने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर ये बड़ा चौराहा, एक प्रकार का ये बहुत बड़ा चौराहा है, मैं आपको दिखाना भूल गया, बहुत ही बड़ा चौराहा है ये, इतना बड़ा सर्कल है। अब ये चौराहा देखो, मैंने चौराहे के लिए टोक दिया है, तो ये भाई साहब गाड़ी पीछे करके चौराहे की तरफ ले जा रहे हैं और ये चौराहा आपको शो करेंगे कैसा चौराहा है। ये बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं है, अक्सर शहरों में, ठीक है, रिहायशी इलाके जो होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर इस तरह के चौराहे होते हैं जहाँ गाड़ियों का मेला होता है, मार्केट होती है, लेकिन यहाँ मार्केट नहीं, लेकिन आप देख सकते हो ये देखो कितना बड़ा चौराहा, कितना स्पेस है यहाँ पर,
बहुत स्पेस है और ये सब पूरा चौराहे के किनारे बसा हुआ है। ये चौराहा मैं घूम रहा हूँ इस वक्त और ये देख सकते हो आप, ये गाड़ी घूम रही है अपनी और ये बहुत ही बड़ा चौराहे, आगे स्पेस देखिए कितना गहरा स्पेस है और बहुत ही बड़ा स्पेस है। अब वे यार ये तू चक्कर ही काटता रहेगा क्या, देख लिया भाई 10 बार, ये देखो इसको इस ब्रह्मांड के चक्कर लगाने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग आ चुके हैं ये मेहरबान सिंह का पुरवा और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे यूपी के जो पूर्व सीएम थे अखिलेश यादव जी, तो उनका यहाँ से गहरा नाता है, कहते हैं उनका ननिहाल ऐसा कुछ यहाँ पर है, कुछ है ऐसा, मेरे को डीपली तो नहीं मालूम है लेकिन ऐसा मैंने सुना है, पर ननिहाल है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन चौधरी चरण सिंह हरमोहन सिंह क्या हैं, ठीक है उनके रिलेटिव्स हैं और कहते हैं कि अखिलेश का बचपन और मिस्टर मुलायम सिंह जी जो कि उनके पिताजी हैं, तो उनका यहाँ पर मतलब पुराने दिन सारे यहीं गुजरे हैं, उनका गढ़ है और इस इलाके में कभी लाइट नहीं जाती है, ये एक बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो ये मेहरबान सिंह का पुरवा पुल है। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी अगर मैं सही नहीं भी दे पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो भी है आप बाकी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ऐसा मैंने भी सुन रखा है, ज़्यादा डीपली तो नहीं मालूम है। तो इधर अपना ये देखिए ये पुल आ गया, ये है नदी, इसको बोलते हैं हम लोग पांडो नदी और सेंगुर नदी के नाम से भी जानी जाती है। मैं थोड़ा सा डोर अपना ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखा सकूँ। और यहाँ आप डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है, देखिए बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स यहाँ बिल्डर्स जो है अपना टेंडर लगा चुके हैं और ये देखिए ये नहर और नदी दो चीज़ें यहाँ पर, नाले का और नदी का मिलान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक दृश्य है आपके सामने और ये तपोवन जीवन दर्शन, ये कोई आश्रम शायद, आई थिंक आश्रम कला केंद्र, आध्यात्मिक कला केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर डीपीएस भी है, ये देखिए बहुत ही अच्छा ये जो एरिया है, ये पूरा चौधरी सुखराम सिंह चरण सिंह क्या है वो मेरे को याद नहीं है, अभी देखता हूँ उसमें दे रखा है तो अभी दिखाता हूँ। ये डीपीएस आ चुका है यहाँ पर और ये देखिए, और पहले ये है यहाँ पर क्या था जब मैं आता था तो ये टोटल यहाँ पर डीपीएस नहीं था, यहाँ पर दो रोड के दोनों तरफ जो है खेत हुआ करते थे और ये इलाका बहुत ही जल्दी डेवलप हुआ है इतने मतलब। ये देखिए ये आपको अखिलेश यादव जी का बोर्ड दिखाई देगा और ये कुछ कहना चाहते हैं। मित्रों मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, ये माइक है। यहाँ पर चौधरी हरमोहन सिंह यादव का निवास स्थान है जो कि मुलायम सिंह यादव के ननिहाल ससुर लगते हैं। हाँ। एक तरह से देखा जाए तो उनका, मुलायम सिंह यादव का ननिहाल, उनकी वाइफ का ननिहाल है इधर, और उसके बाद उनके पुत्र हैं माननीय सुखराम सिंह यादव जो कि आज सांसद परिषद हैं, जिनकी तस्वीर आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं। और चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी का ये था कि उनकी उम्र 99 वर्ष थी और उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद से खाना पानी छोड़ दिया था, वो सिर्फ जलहार और फलहार पे जीवित थे और जब भी वो उनकी मृत्यु हुई, जब वो ईश्वर को प्राप्त हुए हैं ऊपर वाले की दया से, वो इतने हृष्ट पुष्ट थे कि आज भी उनके नाम से चौराहा है, एक महाविद्यालय बनाया गया है जहाँ पे पीएचडी और उनका भी यहीं आगे घर और उनका आगे निवास स्थान भी है। अभी हम आपको निवास स्थान भी उनका दिखाएंगे, जितना से ज़्यादा कोशिश हो सकेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक मेरे को एक सीन याद है, मैं हम लोग जब यहाँ पर हाई स्कूल के समय आते थे तो यहाँ अखिलेश यादव जी उस समय जो है मतलब मुलायम सिंह जी शायद सीएम वगैरह थे, तो यहाँ उनका हेलीकॉप्टर जब उतरता था तो मज़ा आती थी, मतलब इतनी ज़्यादा जो है ये देखिए ये उनका गढ़ आ गया है और ये उनका घर है, ये उनका निवास स्थान है, ये देखिए ये आप देख सकते हो ये है उनका निवास स्थान, ये शीशे से मैं दिखा देता हूँ आपको। और ठीक है ये एक पतली सी गली है लेकिन इसे गली मत समझिए,
यहाँ पे हेलीपैड बनाया, ये यहाँ पर जो है आगे हेलीपैड भी बनाया जाता रहा है कई बार। अखिलेश यादव जी का भी जो है, एक मिनट कुत्ता है, परमानेंट हो गया हेलीपैड। तो हाँ, तो जब भी उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होता है तो हम लोग को बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर आते हैं हम लोग देखने और हुजूम लगता है भाई। तो ये देखिए, आप आनंद लीजिए, फिलहाल मैं तो बोलता रहूँगा, आप रोड का आनंद लेते जाइए। उनका पूरा इलाका आपको, पूरा गढ़ दिखाते हैं, क्षेत्र उनका जो है। और गाड़ी भाई बड़े प्यार से मोहब्बत से चलाइए जनाब। और अभी आगे आपको यहाँ पर महाविद्यालय है। हाँ, और यहाँ पर मैं वो भी कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जहाँ पर मैंने मेरा हाई स्कूल का सेंटर वगैरह पढ़ा था, कैलाश विद्यालोक, उनके नाम से बना ये विद्यालय। हाँ, और उन्हीं के नाम पर जो है ये इसका कार्य संपन्न हुआ है, इस विद्यालय की नींव रखी गई है। और ये तात्या टोपे नगर और HDFC वगैरह देखिए कितना अच्छा इलाका है ये। और ये देखिए, ये चौधरी हरमोहन सिंह सभागार है, ठीक है, एक प्रकार का यहाँ पर जो है जितने भी प्रकार के वो होते हैं स्पीच वगैरह लोग देते हैं, तो यहाँ पर। और ये उनका कॉलेज आ गया है, चौधरी हरमोहन सिंह पैरामेडिकल साइंस एंड नर्सिंग। और ये आ गया जी, ये देखिए, ये उनका कॉलेज रहा। और ये बहुत बड़ी लैंड है, उनके नाम से बनाया गया है। और ये पूरा ही मतलब क्षेत्र उन्हीं का है। ये देखिए, ये SSPG कॉलेज जो है, हमारे कई मित्रों ने यहाँ से जो है पढ़ाई कर रखी है। और ये हमारा कैलाश विद्यालोक आ चुका है यहाँ से। यहाँ पर मेरा जो है हाई स्कूल का सेंटर पढ़ा था, तो ये कैलाश विद्यालोक है। और आपको दिखेगा नहीं, मैं ऐसे ही बाहर से आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो फिलहाल मैं टाइम लैप्स यहाँ पर लगा, और हम आ चुके हैं उस स्थान पर, उस लोकेशन पर जहाँ पर आपको मैं लाना चाहता, आगे चलो। और ये है चौधरी हरमोहन सिंह यादव एकता पार्क, इधर लगा, यहीं लगा दे रहा। आगे चल, पहले वो पुल दिखाता हूँ फिर एकता पार्क दिखाता हूँ, या पुल बाद में दिखा दूँ, एकता पार्क पहले। अबे बंद है, बंद है, मैं लगता है खोल रहे हैं, बंद है, पूछ लेते हैं चल के। ये वो पुल है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यही वो पुल है जिसकी मैं बात कर रहा था। और अभी आपको नीचे उतर के भी मैं दिखाऊंगा कैसा क्या है। और यहाँ पर अगर कोई मुझे मिल जाता है
तो शायद आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ ये तो मैं बताऊँ आपको, ये वो पुल है, अभी तो यहाँ पर सूख गया है काफ़ी, वरना ये यहाँ यहाँ तक पूरा ये भरा रहता था एक समय पूर्व। और देखिए इसमें ख़ास बात ये है कि ऊपर से पब्लिक जा रही है और बीच में भी इसके जो है रास्ता बने, जो खिड़कियाँ टाइप की आपको दिख रही है, तो मैं अभी चलता हूँ लेकर के आपको। तो देखिए आप नीचे उतर रहे हैं हम लोग और ये राहुल भाई साहब कूद चुके हैं। ओए कैमरा ये पकड़ेगा, बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ उतर आया। और ये हमें एक सज्जन मिले यहाँ पर मित्रगढ़, और ये मैं आ गया हूँ स्कूल के नीचे। फिलहाल अभी यहाँ सूखा पड़ा हुआ है और ये अपना भाई है, अभी मैं आपको परिचित कराता हूँ इससे। आप पहले बताइए आपका शुभ नाम क्या है? उमर फारूक। ये है उमर फारूक जी, यहीं पर रहते हो आप? बात करो। हेलो, यही देखो देखो हाथ दिखा रहे ठीक है, बस दो मिनट को बाहर, दो मिनट हो। तो हाँ भाई, पहले हमको थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, हम थोड़ा अपने दर्शकों को आपसे परिचित कराएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? उमर फारूक। ये है उमर फारूक, यहीं के निवासी हैं आप? नहीं, मेरा गांव तो तिगाई है, मगर यहाँ से मैं 16-17 साल हो गए मैं यहाँ पर। यहाँ पर रहते हुए 16 साल यहाँ वर्किंग करते हो आप? मेरे दादा सब यहीं रहते हैं। ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये मर्दनपुर पड़ता है। ये मर्दनपुर इलाका है और यहाँ पर इस पुल को क्या बोलते हैं भाई? ये पुराना पुल है, ये पांडव नदी ऊपर। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया? हाँ। अच्छा, ये पुराना पुल जो है ये मर्दनपुर इलाके में है, कानपुर में। आप बात करिए मेरे। ये जो है पुराना पुल है, काफी पुराना पुल हो चुका है और ये मर्दनपुर इलाका पड़ता है कानपुर में। और मैं खुद भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इतने नज़दीक से मैंने भी इसको जो है अभी तक महसूस नहीं किया है। देखिए कितनी एक रहस्यमयी तरीके से जो है इसका जो है दृश्य आ रहा है मेरे कैमरे में, आप सभी देख सकते हो। और ये जो पुल है इसकी खास बात देखिए आप क्या है कि इसके बीचों बीच भी जो है लोग चल सकते हैं। और नीचे जो ये स्थान देख रहे हो आप, जहाँ पर ये भाई खड़े हैं अब्दुल फारूक जी, वो यहाँ पर नदी बहा करती है, लेकिन इस वक्त ये सूख चुकी है काफ़ी और यहाँ फुल हुआ करती थी नदी किसी समय पूर्व। और ऊपर इसके नहर बहती है, अभी वहाँ भी आपको ले चलेंगे और दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हाँ भाई, आप क्या बता रहे थे इसके बारे में हम लोगों को? ठीक है, मैं एक मिनट बता दूं जरा अपने दर्शकों को। मित्रों ये आप देख सकते हो, इस पुल की एक कहावत है कि यहाँ पर ये जो पुल है इसकी खास बात ये है कि इस पे पानी का रिसाव हुआ करता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी का रिसाव हो रहा है और कई जगह से हो रहा है। कहते हैं यहाँ पर वैज्ञानिकों की कई टीम आ चुकी हैं अब तक और कई शोधकर्ता भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। और ये ऊपर देखिए आप, ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी जर्जर हालत में इस वजह से ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कई बार मरम्मत भी की जा चुकी है, शोधकर्ताओं ने जहाँ जहाँ बताया या महसूस किया वहाँ पर इसको रिपेयर भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसका पानी का रिसाव, ये पानी कहाँ से आता है कोई नहीं बता पाया आज तक। और पानी, सबसे खास बात यह है कि इसको अभी मैं ऊपर ले चलूँगा तो आपको पानी कहीं दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है ये कोई आज तक पकड़ नहीं पाया इस चीज़ को। तो ये पानी का रिसाव है, ये चीज़ खास बात है यहाँ की, ठीक है। और ये हमारे मित्र हैं, थोड़ा इसके ऊपर की खास बात बताएंगे क्या हमको? इसमें कैसे जा सकते हैं? जाने का रास्ता है? अच्छा चलिए, आपको ऊपर ले चलता हूँ इसके बीचों बीच, फिर उसके बाद इस पुल के सबसे ऊपर भी ले चलूँगा। ये हमारे एक और मित्र हैं, आइए। और ये फिर से ऊपर चढ़ना है भाई, कैमरा पकड़ना पड़ेगा आपको। ये लो कैमरा पकड़ो। ये ले चल रहा हूँ आपको इस पुल के अब बीचों बीच रास्ते पे, कहाँ से देखिए चलना पड़ रहा है। तो मौका लगे कभी आइए आइए आइए।
और ये देखिए, ये पुल के जाने का रास्ता पतला सहायक है और ये बीचों बीच हम लोग आ गए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो है पुल के बीचों बीच रास्ता, जो कि बहुत लंबा गया हुआ है, यहाँ से आप पुल को जो है क्रॉस करके उस तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, और पुल के दूसरी तरफ आप निकल सकते हो यहाँ से। और मैं आपको ज़्यादा अंदर ले जा सकता हूँ, लेकिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है कीट वगैरह, कीड़े वगैरह और मधुमक्खी वगैरह जो है हैं, तो उचित नहीं होगा आगे जाना। तो यहाँ पर यही एक खास बात है कि इस पुल के बीचों बीच आदमी चलता है आराम से। और कहते हैं उस वक्त जो हो, जब ये पुल बनाया गया था, तो एक रहस्यमय ढंग से इसका ये रास्ता बनाया गया था, ताकि जो उनके मतलब जो भी हो, मतलब किसी भी तरीके से जो है ऐसा रहस्यमय इसको बनाया गया है कि एक गुप्त रास्ते से जो भी निकला जा सके, इस तरीके का कुछ ऐसा बताया जाता है। तो ये अंधेरे में हम लोग खड़े हैं और काफ़ी लंबा मार्ग है ये। चलिए आपको बाहर ले चलते हैं और ऊपर का नज़ारा भी थोड़ा सा दिखा देते हैं इसका। और जैसा कि आपको मैं आगे ले चलता हूँ, इस पुल के ऊपर का रास्ता दिखाता हूँ। और ये इस पुल के ऊपर का रास्ता है, ये देखिए, ये है दोस्तों नहर, ठीक है। और ये पुल है, ये पुल के ऊपर इस तरह से रास्ता भी बना हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह लोग इधर से उधर क्रॉस करते हैं, गांव अपने आते हैं जाते हैं, अपने घर को, अपने काम काज को यहीं से जाते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर संरचनात्मक ढंग से इसको जो है तैयार किया गया था, इस पुल को। खास बात इसकी है कि ये नहर है, ठीक है, और ये नहर बीच पुल के सबसे ऊपर जो है यहाँ पर बह रही है। और ख़ास बात ये है कि ये देखिए, इसी पुल के ठीक नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि नदी भी जा रही है। ये वही नदी है, ये पांडो नदी, जिसे सिंगूर नदी भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये एक सुंदर चीज़ है यहाँ पर। तो ये रही वो नदी। अब आप देख सकते हो कि ये पुल के नीचे नदी बह रही है, ठीक है, और ये नदी है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये नहर है। तो इतने सुंदर और संरचनात्मक ढंग से कलाकृति जो है तैयार की जा रही है इसकी। और तो इस तरीके से जो इसका जो है वातावरण जो भी यहाँ का है, काफ़ी विशेषता तौर पे जो है इसको यहाँ पर तैयार किया गया था इस पुल को। और बस थोड़ा सा जर्जर हालत में हो चुका है, लेकिन समय समय पर इसका जो है कहीं ना कहीं सुधार भी कई बार किया जा चुका है। तो इसको कुछ कहा, मतलब कैसे क्या जाएगा, टेक फॉर नेट। तो ये देखिए हमारे मित्रगण यहाँ पर खुद भी जो है शूट करते हुए। और आगे एकता पार्क है, एकता पार्क आज बंद है, और परेवा है, इस वजह से एकता पार्क यहाँ पर आज खुला नहीं है। तो वरना आप लोगों को वहाँ भी मैं ले चलता, एक ज़माना था जब वहाँ पर, ये देखिए वो जो पुल में कुछ लोग बैठे हुए दूर पर, आपको नज़र नहीं आएगा, और उधर गाड़ी हमारी जा नहीं सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आ गए अपनी गाड़ी की तरफ और बैठते हैं, फिर आपको ले चलते हैं फिर से वापसी की ओर। सफ़र का मज़ा लीजिए और टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। तो गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, हम लोग पुल से, ये देखिए ये पुल हमारे पीछे है, ठीक है। आपको पुल की जो भी जानकारी हम यहाँ पर समेट पाए, जल्दी में है, थोड़ा सा परेवा का दिन है आज, दीपावली के बाद घर पर लोग मेहमान भी वगैरह भी आते हैं, तो बस थोड़ा सा समय निकाल करके आप तक इस ब्लॉग को बना पाया हूँ। जैसा भी है, जो भी है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कामयाब थोड़ा बहुत हूँ ब्लॉग पे या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो भी बताइए, हूँ तो भी बताइए, तो आगे कुछ ना कुछ देता रहूँगा। तो बाकी आप लोग समझदार हो, तो चलते हैं वापसी की ओर। भाई गाड़ी अब स्टार्ट, आगे बढ़ाओ। हाँ, तो
हमारी बैक हो रही है क्योंकि आगे रास्ता जो है बड़ा जर्जर है और देख सकते हो आप मेरा कैमरा बराबर हिल रहा है मोबाइल, तो महसूस कर सकते हो यहाँ के रास्ते को। और कई ग्रामीण बड़े, अरे आराम से भाई, गाड़ी तो पहाड़ के नीचे चली जाएगी इस तरीके से। और ये इन्होंने जो है गाड़ी स्लिप हो जाती, अभी बच गई। कहाँ कर रहे हो तुम? तो गाड़ी हमारी चल चुकी है और माइक हमारा जो है इस तरह से लग चुका है। सो ये कैमरा अभी गिरने वाला है पक्का। फिर से कोई रहस्यमय जगह पर आपको लेकर के जरूर आऊंगा अगर हो जाएगा तो इसका कोई, कई लोग जो है बड़ी शातिर नज़रों से देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये लोग मतलब ये, मैं जब ट्राईपॉड अपना ये गोरिल्ला ट्राईपॉड लेकर के नीचे उतरा तो यहाँ के लोग इस तरह से देख रहे थे, ये क्या बवाल है। तो कान खड़े करके देखना और नज़रों को थोड़ा फैला करके देखना, ये अपने आप में एक ऑकवर्ड लगता है। तो ये देखिए मेरा ये ट्राईपॉड जो है खिसक रहा है, तो इसको मैं, बेहतर होगा कि हाथ में पकड़ लूँ। डिज़ायर में आगे का जो डैशबोर्ड होता है वो काफ़ी वैसा होता है, आप सभी जानते हो, तो आगे इतना स्पेस रखने का नहीं होता है। तो उसको बेटर होगा कि मैं अपने इसको ट्राईपॉड को बेहतर ढंग से ऐसे पकड़ सकता हूँ। चलिए ये हो गया हमारा आज का व्लॉग शूट, और टाइम लैप्स यहाँ से मैं लगा देता हूँ, आप लोग टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। और यार टाइम लैप्स का किस बात का मज़ा होता है, उसमें तो कुछ होता भी नहीं है, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे, अभी घर पहुंचता हूँ, व्लॉग पे बने रहिए। अब मैं चल रहा हूँ सीधे वापसी की ओर, यहाँ पर एक मित्र से मिलने आए थे और मिल चुके हैं। तो आई थिंक व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही होगा, क्योंकि जो भी छोटी मोटी जानकारी हो पाती मेरे से मैं देता हूँ आपको कहीं ना कहीं से बटोर के। और रास्ता शायद भूल चुके हैं तो गाड़ी उल्टा टर्न हो रही है और बैग लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी है, चलो नहीं लेते हैं बैग, सीधे चलते हैं। और ये अभी एक अखिलेश यादव जी ने जो ये पुल बनवाया था, ये तात्या टोपे नगर को मर्दनपुर और मेहरबान सिंह पुरवा इलाके से मिलाने के लिए। और ये देखिए ये वही नदी है, नदी का थोड़ा दिखा दो भाई, ये है वही पांडो नदी, हाँ ये पांडो नदी है शायद, कि नाला है, पांडो नदी है ये। और चलते हैं आगे की ओर, और आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताया करो कि मैं क्या बनाया करूं यार, जो भी बनाता हूं डाल देता हूं सब। तो होप के कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पसंद ज़रूर आता होगा। और आ चुके हैं फिर से हम लोग चौधरी हरमोहन सिंह जी के क्षेत्र पे, जहां से आपको लेकर के आया था मैं। और बस मेरे पास नाइट का कोई भी व्लॉग नहीं है अभी तक, तो मैं कोशिश करूंगा नाइट का भी व्लॉग एक आध बार डालूंगा ज़रूर, कभी मौका नहीं निकल रहा है। आइसक्रीम आ चुकी है, ठंड का मौसम है। ओ भाई लोग,
हाँ भाई, तो ये कुछ आइसक्रीम वाले जो है निकल गए हैं। थोड़ा बहुत इनका भी जो है बिजनेस होता रहता है और होना भी चाहिए भाई। अगर सिर्फ गर्मी में ही लोग इसका सेवन करेंगे तो इनकी अर्निंग कैसे होगी, वो भी ज़रूरी है। और ये चौधरी हरमोहन सिंह जी का क्षेत्र, आप लोग थोड़ा सा कमेंट में ये भी बताइए मेरे को कि जो दिल्ली कैंट का मैंने वीडियो बनाया था, अभी दिल्ली गया था, आप लोगों के लिए ही गया था यार। और मेरा अपना तो जो है छोटा सा काम था, लेकिन पर्सनली मैं कहूँ तो द रियल रिवील्ड राहुल भैया, राहुल दुबे जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, व्यक्तित्व उनका काफ़ी अच्छा है और मुझे उन्होंने पनाह दी, शयन कक्ष दिया, भोजन की व्यवस्था की और मिलनसार व्यक्ति हैं। तो दिल्ली जाना कहीं ना कहीं सफल रहा, एक ब्लॉग भी उनके साथ हो गया दिल्ली कैंट का। तो टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। बता दूं, यहाँ पर मैं उस पुल पर आ चुका हूँ जहाँ पर हाई स्कूल के दरमियान कई बार मैं आकर के इस पुल पर जो है वक्त बिताया करता था अपने दोस्तों के साथ। उस वक्त के जो भी मेरे दोस्त थे, मित्रगण थे, तो ये वो पुल है। और ये नदी जो है काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी उस समय और काफ़ी मतलब फैलाव था इसका दूर तक। आज की डेट में ये नदी कम नाला बन चुकी है और काफ़ी गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है। तो आज पुराने दिन कुछ याद आ गए मेरे को। तो ये वो नदी है। मैं तो एक संदेश यहाँ पर देना चाहूँगा सभी को आप लोगों के ज़रिए कि भाई मैंने तो जो महसूस किया था यहाँ पर कभी आता था तो ये बहुत ही क्लीन पानी हुआ करता था इसका, बिल्कुल शुद्ध जल इसको बोलते हैं। हालाँकि पीते नहीं थे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के किसान भाई अपने हैं, जो यहाँ के समस्त क्षेत्रवासी हैं जिनके आसपास इस नदी के खेती वगैरह है, उस खेती में जो इस नदी का पानी जो है लगता था, तो नदी को भाई थोड़ा दिखाना। और इस नदी का जो है पानी खेती करने के काफ़ी काम आता था। देखिए बगल में खेती वगैरह भी है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। और आसपास के जो क्षेत्र हैं काफ़ी, यहाँ का पानी काफ़ी मतलब सुचारू रूप से उनके किसी ना किसी काम आता था खेती करने के भी। तो आज की डेट में ये मैला हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो भाई मैं सबसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सभी से, और मैं भी खुद उनमें शामिल हूँ, तो इसको कहीं ना कहीं स्वच्छ बनाए रखना ही अपना परम सिद्ध अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और इसको स्वच्छ बनाइए।